पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, कपूर फैमिली की बहुत सी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे चुके हैं। और मुझे याद आता है जब मैं 77 में बॉम्बे गया था तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र था वो था आरके स्टूडियो। होली आने वाली थी और होली आरके की अपने आप में विश्वविख्यात रही है। मैं श्रीगंगानगर के अपने साथी योगेश छाबड़ा के साथ आरके स्टूडियो गया और वो भव्य होली मैंने पहली बार देखी। राज कपूर जिस खुशी के साथ, जिस तन्मयता से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इकट्ठा करके होली मनाते थे वो अपने आप में लाजवाब थी। वो होली आज तक मेरी आंखों में बसी हुई है। मैं नहीं भूल पाया हूँ वो स्वर्णिम पल, आरके के होली और गणपति विसर्जन अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण रखते थे और संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री आरके में इकट्ठी होती थी। नंबर वन, आरके स्टूडियो की यादें अपने आप में अनमोल हैं। बहुत सी फिल्मों की शूटिंग की और आरके स्टूडियो में जब देख भाई देख का सेट लगा तो मुझे उस पर आनंद महेंद्रू के साथ काम करने का मौका मिला। वो पल, वो समय अपने आप में इतना यादगार था कि देख भाई देख एक हिट सीरियल साबित हुआ और आरके में आना जाना प्राय नित्य ही होता था। आरके कैंटीन में नाश्ता करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वहाँ पे जो मिसल पाव मिलता था उसकी बराबरी पूरे बम्बई में नहीं थी। आरके स्टूडियो और महबूब स्टूडियो की कैंटीन सदैव ही हम लोगों के लिए एक वो स्थान था जहाँ पे हमें खाने का मन करता था और वो उसी प्यार से अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हमें नाश्ता करवाते थे। नंबर टू, उस समय आरके स्टूडियो को संभालने की संपूर्ण जिम्मेदारी आज के लिविंग लीजेंड रणधीर कपूर के हाथों में थी। रणधीर कपूर आरके स्टूडियो का संचालन इतनी दक्षता से करते थे कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। रणधीर कपूर का मैनेजमेंट और रणधीर कपूर का काम करने का ढंग सदैव ही मुझे प्रिय रहा है। मैंने उनकी पहली फिल्म कल आज और कल देखी, धर्म करम देखी और उसके बाद जब वो राम तेरी गंगा मैली के सेट पर काम करते थे तो उनका डायरेक्शन में जो रुझान था, जो मास्टरी थी, वो अपने आप में बेमिसाल थी। रणधीर कपूर ने राज कपूर के जाने के बाद हिना का सफल निर्देशन किया और आरके के साम्राज्य को पूर्णतया संभाल कर रखा। नंबर थ्री, रणधीर कपूर आरके स्टूडियो के संचालक और अपनी फिल्मों के निर्देशक ही नहीं, एक नहीं अनेकों फिल्मों के बहुत अच्छे एक्टर भी थे। उनकी फिल्में सफल रही और वो अपने आप में एक बेहतरीन एक्टर भी कहलाए। उनकी फिल्म हार जीत, जवानी दीवानी, चाचा भतीजा, मामा भांजा, एक नहीं अनेकों नाम गिनवा सकता हूँ। उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में बेमिसाल है। दोस्तों के दोस्त और यारों के यार रणधीर कपूर आज लिविंग लीजेंड है। नंबर फोर, रणधीर कपूर से मेरा व्यक्तिगत नाता भी रहा है। मैं उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहता था और उन दिनों शैलेंद्र जी के पुत्र शैली शैलेंद्र से मेरी दोस्ती थी और हम एक सब्जेक्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था जोशे जवानी। बप्पी लहरी को साइन कर चुके थे और उस फिल्म को निर्देशित करने वाले थे शैलेंद्र जी के सबसे छोटे बेटे दिनेश शैलेंद्र। शैली शैलेंद्र ने मुझे सजेस्ट किया क्यों नहीं अपन इस कहानी में डब्बू को ले ले। डब्बू जिसका पूरा नाम रणधीर कपूर था, घर का नाम डब्बू। हमने पूरी कहानी उन्हें सुनाई लेकिन शैली ने मुझे एक बात कही थी कि तुम चुपचाप देखना, अगर वो मान जाता तो ठीक है, नहीं तो बात अपने बीच में रहेगी। सब्जेक्ट सुनकर रणधीर कपूर ने एक ही बात कही, कहानी अच्छी है लेकिन थोड़ी यूथफुल है, मेरे से मैच नहीं करेगी, तुम चिंटू को ले लो। बात आई गई होगी लेकिन रणधीर कपूर से मेरा नाता बन गया था।
मैं एक बार फिर से उनके पास कहानी लेकर गया और वो कहानी मैंने सुनाई। उस समय जयप्रकाश चौकसी वहाँ पे उपस्थित थे क्योंकि वो रणधीर कपूर का सारा काम देखते थे। ये किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर एक कहानी थी, उन्होंने सुनी और सुनकर कहा, अगर अच्छा प्रोड्यूसर है तो मैं काम करूँगा, नहीं तो अगर मेरे नाम पे पैसा इकट्ठा करके कोई फिल्म बनाएगा तो वो फिल्म मैं नहीं करूँगा। बात आई गई होगी क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है, फिल्म की घोषणा हो जाती है लेकिन फिल्में बनती नहीं है। उस फिल्म का हश्र भी वही हुआ कि फिल्म डब्बों में चली गई, सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड हुआ। नंबर 5। जिंदगी के प्रति जो नज़रिया था, नए टैलेंट को परखने की जो सोच उनके पास थी, वो किसी बात को छुपाते नहीं थे और अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करते थे। यही रणधीर कपूर की एक खासियत है कि वो आज सब कुछ होते हुए भी वो फिल्म नहीं बनाना चाहते क्योंकि आज के सिस्टम से उनकी स्टाइल मैच नहीं करती। आज उनके छोटे भाई उनके साथ नहीं है, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, लेकिन लिविंग लीजेंड रणधीर कपूर आज भी आरके को संभाले हुए हैं। आरके नष्ट हो गया है लेकिन उनकी भावनाएं अभी भी ये है कि मैं फिल्म बनाऊंगा, चाहे स्टूडियो दोबारा खड़ा न कर पाऊँ, लेकिन जो लीगेसी आरके स्टूडियो की थी उसी तरह की मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ। और वो फिल्म हम कब देख पाएंगे ये सिर्फ समय ही बताएगा। हम रणधीर कपूर के लंबे जीवन की कामना करते हैं और उनकी संपूर्ण फिल्मोग्राफी अपने दर्शकों के सामने पेश करते हैं। ये साल बहुत मुश्किल रहा है हम सबके लिए, मेरे भाइयों के लिए और मेरे लिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम आरके स्टूडियो को हमें बेचना पड़ेगा जी। बट 2016 में 16 सितंबर को ये स्टूडियो जल गया था और जल के राख हो गया। कि जो भी राज कपूर का सामान हमारे पास था, हमने सब यहाँ जोड़ के रखा हुआ था, स्टूडियो में संभाल के रखा हुआ था, आज तक सब जल के राख हो गया। वी हैव नो मेमोरेबिलिया ऑफ राज कपूर, नो ट्रॉफीज, नो अवार्ड्स, नथिंग। इट हैज जस्ट गॉन अवे।